मैं हूं शहजादा खान और आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। झारखंड पुलिस पर लगा वृद्ध महिला के साथ मारपीट का आरोप। मौत से गुस्से में ग्रामीण, राजनेता पहुंचे बड़की पोना गांव। रामगढ़ जिला अंतर्गत राजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना गांव में पुलिस की पिटाई से एक वृद्ध महिला की मौत का मामला सामने आया है। वृद्ध महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, साथ ही माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना बुधवार की देर रात की है। इस घटना की जानकारी मिलते ही गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक ममता देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे समेत अन्य नेता गांव पहुंचकर इस घटना की निंदा की, साथ ही मामले की न्यायिक जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। क्या है मामला? ग्रामीणों के अनुसार पुलिस रात के करीब 12 बजे गांव पहुंची और कई लोगों के दरवाजे खुलवा रही थी। इसी बीच पुलिस चानू महतो के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से इसकी वृद्ध पत्नी उमानो देवी 75 वर्ष दरवाज़ा खोलने के लिए आ रही थी, लेकिन विलंब होने पर पुलिस ने दरवाज़ा को तोड़ दिया जिससे वह गिर गई। इसी बीच उमानो के साथ मारपीट करने का आरोप है जिससे इसकी मौत हो गई। इस संबंध में मृतक उमानो देवी के पति चानू महतो ने बताया कि पुलिस घर पहुंची और मेरी पत्नी के साथ मारपीट की जिससे इसकी मौत हो गई। उमानो के पति प्रभु कुमारी ने भी कहा कि दादा दादी के साथ सोए हुए थे, दादी दरवाज़ा खोलने के लिए गई लेकिन दरवाज़ा को जोर से धक्का दे दिया जिससे दरवाज़ा के साथ मेरी दादी भी गिर गई। पुलिस ने मेरी दादी के साथ मारपीट की और घर के सामान को इधर उधर फेंक दिया। जब कुछ लोगों को सूचना दिए तो लोगों के आने से पहले मेरी दादी की मौत हो चुकी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।